नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम बिजनेस की बात में। मैं हूं आपके साथ वंदा शर्मा। दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रसार अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल मार्केट के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बन गया है। दुनिया भर के देश इसके प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय कर रहे हैं, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। कई उपायों के बीच COVID-19 का संकट भी डिजिटल भुगतान के प्रयोग को प्रोत्साहित कर रहा है। यहाँ तक कि RBI ने ग्राहकों से कॉन्टैक्टलेस लेन देन सुनिश्चित करते हुए डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने का आग्रह किया है। हालांकि कुछ क्षेत्रों जैसे कि एयरलाइंस, यात्रा, रिटेल, थिएटर, रेस्टोरेंट और मनोरंजन पार्क जो सीधे COVID-19 के प्रकोप की चपेट में हैं, इन्होंने डिजिटल पेमेंट के उपयोग को कम कर दिया है, जिसमें कुछ नए सेक्टर भी सामने आए हैं। वहीं छोटे किराना स्टोर, OTT, ऑनलाइन गेमिंग, ई लर्निंग, ATM विड्रॉल्स और ब्रॉडबैंड उपयोग डिजिटल पेमेंट के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। आइए डिजिटल भुगतान मोड के बारे में जानते हैं, जिन्हें मौजूदा परिस्थितियों में कोई भी चुन सकता है। नंबर एक, QR कोड। क्विक रिस्पांस कोड पर आधारित पेमेंट मॉडर्न पेमेंट एप्लीकेशन और उपकरणों में लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति फ्यूल, किराने, यूटिलिटी बिल, फूड, ट्रेवल और कई अन्य सेवाओं की पेमेंट के लिए एक QR कोड स्कैन कर सकता है। QR कोड्स को कागज और स्क्रीन दोनों से स्कैन किया जा सकता है, जिससे तुरंत पेमेंट और पूरी तरह से सुरक्षा की सुविधा मिलती है। जब कोई ग्राहक QR के माध्यम से भुगतान करने के लिए कहता है तो व्यापारी को टर्मिनल पर QR कोड भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और बिल अमाउंट को इनपुट करना होगा। ये POS स्क्रीन पर एक डायनेमिक QR कोड जनरेट करेगा, जो अब ग्राहक द्वारा उपयोग किए जा रहे किसी भी मोबाइल आधारित QR ऐप द्वारा स्कैन किया जा सकता है। यदि कोई व्यापारी POS टर्मिनल में निवेश नहीं कर सकता है तो वे स्टैटिक या डायनेमिक QR जनरेट करने के लिए मोबाइल आधारित QR ऐप का उपयोग कर सकता है। QR लेन देन की त्रुटियों को कम करता है। आपको बता दें कि किसी भी लेन देन से संबंधित डेटा को इनपुट करने की आवश्यकता होती है। नंबर दो, UPI। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है। जब कोई ग्राहक UPI भुगतान मोड का अनुरोध करता है तो व्यापारी को अपने POS टर्मिनल पर UPI भुगतान विकल्प का चयन करने और बिल अमाउंट को इनपुट करने की आवश्यकता होती है। ये POS स्क्रीन पर एक डायनेमिक QR कोड उत्पन्न करेगा, जिसे अब ग्राहक द्वारा उपयोग किए जा रहे किसी भी मोबाइल आधारित UPI ऐप द्वारा स्कैन किया जा सकता है। NPCI के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2019 से UPI के जरिए लेन देन की संख्या लगातार बढ़ रही है। बाकी के पेमेंट मेथड जानने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि हम हर अपडेट आप तक पहुंचा सके। तो चलिए जानते हैं अगली पेमेंट मेथड के बारे में। तो नंबर तीन, पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा प्रदान की जाने वाली एक व्यापारी सेवा ये सुनिश्चित करती है कि संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर वर्चुअल टर्मिनल में या ई कॉमर्स वेबसाइट पर दर्ज की गई हो, वो विभिन्न चैनलों के माध्यम से सुरक्षित रूप से पारित की जाती है। जब COVID-19 का प्रकोप में आम लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तब ई कॉमर्स वेबसाइटों और ऐप पर किराना, मनोरंजन और भोजन के लिए ऑर्डर बढ़ रहे हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर ऐसी किसी भी सेवा का लाभ उठाने वाला व्यक्ति पेमेंट गेटवे के माध्यम से भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। नंबर चार, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट। POS टर्मिनल पर नियर फील्ड कम्युनिकेशन सुविधा रिटेलर को अपने स्टोर पर खरीदारी के लिए आसानी से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने की अनुमति देती है। ग्राहक अपने कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट या डेबिट कार्ड के माध्यम से या POS टर्मिनल पर अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर टैप एंड पे सुविधा के माध्यम से भुगतान चुन सकते हैं। नंबर पाँच, SMS आधारित भुगतान। POS कारकों के इर्द गिर्द घूमती कार्यक्षमता के साथ विभिन्न प्रकार के मोबाइल पेमेंट्स हैं। SMS भुगतान वे होते हैं जहां ग्राहक व्यापारी द्वारा भेजे गए SMS लिंक के माध्यम से उत्पादों या सेवाओं के लिए पेमेंट करता है। SMS आधारित पेमेंट का उपयोग रेस्टोरेंट और सैलून जैसी सर्विस में ज्यादा है, जो बुकिंग या रिजर्वेशन के लिए एडवांस पेमेंट पसंद करते हैं। नंबर छह, प्रीपेड कार्ड। क्लोज लूप
प्रीपेड कार्ड वे हैं जो केवल उस व्यापारी को रिडीम किए जा सकते हैं जिन्होंने उन्हें जारी किया था। दूसरी ओर सेमी क्लोज लूप कार्ड या रेस्ट्रिक्टेड ओपन लूप कार्ड शॉपिंग सेंटर कार्ड के समान होते हैं जिन्हें विभिन्न व्यापारियों पर रिडीम किया जा सकता है लेकिन केवल शॉपिंग सेंटर के अंदर। ये कार्ड टॉपअप या विथड्रॉल प्रयोजनों के लिए POS टर्मिनल पर स्वाइप किए जा सकते हैं। इन डिजिटल पेमेंट मेथड से आप तुरंत ही पेमेंट कर सकते हैं लेकिन याद रखिएगा इनमें से किसी भी मेथड का उपयोग करते वक्त फ्रॉड से सावधान रहें। तो हम जल्द मिलेंगे एक नई खबर के साथ लेकिन तब तक आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। OK क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।